अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम पी एस वाई फोर जीरो सेवन के लेसन थर्टीन को डिस्कस करेंगे अटेंशन एंड कंसन्ट्रेशन इन स्पोर्ट अटेंशन नैरोइंग एबिलिटी टू फोकस ऑन अप्रोप्रीट स्ट्यूमिलाई एंड नॉट फोकस ऑन इम अप्रोप्रिएट स्टूमिलाई जब एक बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है तो इसे अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए इसे देखने वाले क्राउड पर से अपनी गेम पर फोकस अगर वो करता है क्राउड पर फोकस करता है अगर तो वो अच्छी तरह गेम नहीं कर सकता अबिलिटी टू अटेन टू अप्रोप्रिएट स्टलेट ड्यूरिंग कम्पिटिशन हैज़ बीन टर्म्ड अटेंशनल फोकस यहाँ पे ख्याल पॉइंट है कि अटेंशनल फ्लेक्सिबिलिटी uh, की डेफिनेशन के रेफर्स जो अबिलिटी ऑफ एथलीट टू क्विकली एंड इफेक्टिवली शिफ्ट देर अटेंशन फ्राम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यानी कि एक एथलीट की अबिलिटी जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर अपनी अटेंशन तेज़ी से डाइवर्ट कर सकता है उसको अटेंशनल फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं वेन एथ लीडर आर इन द जोन जोन इज़ द्लेस सिचुएशन जिसमें बंदा समझता है कि वो अपनी पीक फिज़िकल कंडीशन में है एक प्लेयर अपने काम पर मुकम्मल फोकस कर रहा होता है वो फिज़िकली फ़िट होता है हम इसे फ्लो का नाम भी देते हैं इसलिए ज़रूरी है कि ये बंदा अपनी टेंशन को नैरो कर पाए सिर्फ वो ज़रूरी इन को ही ताकि वो रिसीव कर सके मेरिंग अटेंशनल फोकस लॉन्डर्स आइडेंटीफाई थ्री वेज टू मईर अटेंशन बिहेवियरल असमेंट लेवल ऑफ अराउेल ना ही ये बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो इंटरमीडिएट लेवल हो और सेल्फ रिपोर्ट मैथड सेल्फ रिपोर्ट मैथड के अंदर कह रहा है कि अगर एक बंदा अपनी एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को बयान करता है इन्हें रिकॉर्ड कर, कर लिया जाता है और बाद में इसे अनालाइज़ किया जाता है इसे सेल्फ रिपोर्ट मैथड जो है वो कहते हैं अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग ए सी टी हम अपनी टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को इनकी अटेंशन कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है फोकसिंग अटेंशन अटेंशन को दो तरीके से फोकस किया जाता है इंटरनली इसमें फीलिंग्स और थॉट्स वगैरह शामिल हैं और एक्सटर्नली इसमें कह रहा है कि हमारे टीमेट्स माहौल और सूरत हाल जो है और कोचज़ वग़ैरह इनका बिहेवियर ये सारी चीज़ें शामिल हैं आखिरी थॉट स्टॉपिंग एंड सेंटरिंग इसके अंदर कह रहे कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर सबसे वो पहले वो है सेल्फ़ टॉक सेल्फ़ टॉक के जरिए एक शख्स अपने जहन में पॉजिटिव ख्याल ला सकता है नेगेटिव ख्याल को निकाल सकता है फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स आर यूज इन थाट स्टॉपिंग एंड क्रिएटिंग प्रोसीजर पहले है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ख्याल की जगह पॉजिटिव ख्याल को लाए ठीक है उसके अलावा अपनी जो अटेंशन है वो इंटरनल की तरफ लाए बल्कि बजाय कि वो अपने अपनी जो अटेंशन लेके जाए फोकस को अपने नैरो करें स्पेसिफिक चीज़ों पर सिर्फ फोकस करें और आखिरी है कि आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं इसके लिए इंतज़ार ना करें फ़ौर उसको परफॉर्म कर दें व्यूर यह था हमारा लेसन यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ अटेंशनल स्टाइल्स हैं इनको हम इंशाल्लाह तला वन बाई वन नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे ये सारे जो टेक्निक्स हैं मैर करने की चीज़ों को नेक्स्ट लेसन में इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे टिल दैन टेक केयर अल्लाह हाफिज़